हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करण पटेल की। करण पटेल ने सन 2003 में स्टार प्लस में आए शो कहानी घर घर की से अपने करियर की शुरुआत की। सन 2005 में करण पटेल ने स्टार प्लस के सीरियल केसर में काम किया। इसमें करण पटेल ने रयान सूद का किरदार निभाया। सन 2005 में ही करण पटेल ने स्टार प्लस के शो काव्यांजलि में काम किया। इसमें करण पटेल ने कनिष्क का किरदार निभाया। सन 2007 में करण पटेल ने स्टार प्लस के शो कस्तूरी में काम किया। इसमें करण पटेल ने रोबी सबरवाल का किरदार निभाया। सन 2007 में ही करण पटेल ने स्टार प्लस के रियलिटी शो नच बलिए में पार्टिसिपेट किया। सन 2008 में करण पटेल कौन बनेगा बॉलीवुड का टिकट प्रतियोगी में नजर आए। सन 2008 में ही करण पटेल स्टार प्लस के शो कहो ना यार है एक गेम दोस्ती का में नजर आए। सन 2012 में करण पटेल ने स्टार प्लस के शो तेरी मेरी लव स्टोरीज में काम किया। इसमें करण पटेल ने युग सक्सेना का किरदार निभाया। सन 2013 में करण पटेल ने कलर्स के शो झलक दिखला जा सीजन 6 में पार्टिसिपेट किया। सन 2013 में करण पटेल ने स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बतें में काम किया। इसमें करण पटेल ने रमन कुमार भल्ला का किरदार निभाया। रमन के नाम से करण पटेल को हर घर में पहचाना जाने लगा और मोहब्बतें सीरियल में रमन और इशिता की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। सन 2016 में करण पटेल आई डोंट वॉच टीवी में नजर आए। सन 2016 में ही करण पटेल बॉक्स क्रिकेट में भी नजर आए। सन 2017 में करण पटेल बिग बॉस में नजर आए। करण पटेल ने और भी कई शोज किए जैसे कसौटी जिंदगी की कसम से, करम अपना अपना, इंटरटेनमेंट की रात, जज्बात, सबसे स्मार्ट कौन, गुमराह, किचन चैंपियन, खतरा खतरा खतरा। करण पटेल ने टीवी इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। यहाँ तक कि करण पटेल को टीवी इंडस्ट्री का शाहरुख खान भी कहा जाता है। बात करें करण पटेल के लव लाइफ की तो करण पटेल और काम्या का अफेयर काफी सुर्खियों में था। दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे लेकिन करण पटेल के माँ बाप इस शादी के लिए राजी नहीं थे क्योंकि काम्या एक तलाकशुदा और सिंगल मदर थी। जब काम्या के साथ करण पटेल का ब्रेकअप हो गया फिर करण पटेल की मुलाकात अंकिता भार्गव से हुई और सन 2015 में करण पटेल ने अंकिता भार्गव से शादी कर ली। सो गाइस, आप करण पटेल के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।